नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आप में से अधिकांश लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की वीडियोस देखते रहते हैं और अधिकांश लोग हेल्थ रिलेटेड वीडियोस जरूर देखना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जिसकी वीडियो आप देखते हैं या जिस भी इन्फ्लुएंसर की बातों को आप पसंद करते हैं या उसके कहे के अनुसार करते हैं, वो वास्तव में उस लायक है या नहीं है, यानी कि उसके पास ऐसी कोई क्वालिफिकेशन या ऐसी कोई डिग्री है या नहीं है जिससे कि वो आपको हेल्थ संबंधी सलाह दे सके। जी हाँ दोस्तों, आप ऐसे बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा। और इसका एक कारण यह भी है कि जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं, वो अपनी डिग्री या क्वालिफिकेशन को कहीं भी मेंशन नहीं करते या कहीं भी नहीं बताते हैं। इस वजह से कई बार ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी इन्फ्लुएंसर की बातों में आकर अपने हेल्थ से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट करता है या उनके कहे के अनुसार दवाइयों को, औषधियों को लेता है या अपने खाने पीने के तौर तरीकों में परिवर्तन करता है, तो उसे लाभ की बजाय नुकसान होने लगता है। इसी को लेकर जो सरकार की एक बहुत बड़ी चिंता थी कि जो भी इन्फ्लुएंसर है, अगर वो हेल्थ एडवाइस देते हैं चाहे किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब हो, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, तो अब उनको अपनी क्वालिफिकेशन को जो है दिखाना पड़ेगा अपने प्रोफाइल में और अपनी वीडियोज में भी। जहाँ कहीं भी वो हेल्थ रिलेटेड कोई एडवाइस दे रहे हों या कोई सलाह दे रहे हों, तो उनको अपनी जो भी क्वालिफिकेशन है उसको शो करना मैंडेटरी हो गया है। और ऐसा इसीलिए सरकार ने किया है कि जिससे कि कोई भी ऑडियंस अगर आपकी वीडियो देखती है तो वो खुद डिसाइड कर सके कि अगर आप उसको सलाह दे रहे हैं कोई भी हेल्थ रिलेटेड, तो आप उस लायक हैं या नहीं हैं वो जान सके। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के सेक्रेटरी का कहना है कि इस नियम के लाने के पीछे ये उद्देश्य यही है कि ट्रांसपेरेंसी हो जो भी आप एडवाइस देते हैं। यानी कि अगर आप किसी को बता रहे हैं कि ये फल जो है इस रोग में अच्छा है या ये फल जो है इस रोग में लाभदायक नहीं है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है, या आप किसी औषधि के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि एक औषधि जो है एक बीमारी में फायदा करती है दूसरे बीमारी में नुकसान करती है, तो ये बताने के पीछे क्या आप उस लायक हैं, आपके पास वो क्वालिफिकेशन है जो आप किसी भी फूड को या मेडिसिन के बारे में किसी को बता सकें। तो निश्चित रूप से अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आप जो है अपने वीडियोज में या अपने पोस्ट में उसको मेंशन करेंगे और ऐसी जगह आप अपने क्वालिफिकेशंस को दिखाएंगे जिससे कि आसानी से सबको दिख सके, यानी कि उसमें कुछ भी हिडन नहीं होना चाहिए। और यह नियम जो है आपको निश्चित रूप से मानना ही पड़ेगा, अदरवाइज जो है इसमें आपको पेनल्टी लग सकती है और सज़ा भी हो सकती है। तो आगे से ध्यान रखें, अगर आप भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और अगर आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन इससे रिलेटेड नहीं है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड, तो आप ऐसी वीडियोज को बनाना बंद कर दें और आप अपनी थीम को चेंज कर दें, अन्यथा आपको गंभीर जो है कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।